हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको सेल्फ स्टेप्स हेयर कट बताने वाली हूँ। लेजर, लेयर, फेदर, ये सारे कट करना थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि वो फ्रंट से कट करने होते हैं, लेकिन जब बात आती है स्टेप्स कटिंग की तो खुद से कर पाना काफ़ी टफ हो जाता है। अगर आप अच्छे प्रैक्टिशनर होगे तो इजीली कर पाओगे, नहीं होगे तो मुश्किल होता है करना। लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं अपने हेयर पे करने वाली हूँ हाफ मून विथ सैग हेयर कट। थोड़ा सा मिक्स टाइप का होगा, लेकिन प्रोसेस बहुत इजी तरीके से कोशिश करूंगी बताने का। देखिए, प्रोफेशनल हेयर कट है तो थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना होगा, तभी जाके आप अच्छे से इसको सीख पाएंगे। मेरे हेयर काफी अच्छे लॉन्ग है और लेंथ को मेंटेन रखते हुए मैं कटिंग करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गाइडलाइन रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड से हमें इक्वल हेयर को लेना है। सामने से देखिए इस तरीके से पार्टिंग करेंगे, ठीक है। अब हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से कोम करते हुए। और जो अगर आपका सामने से कटा होगा, जैसे कि ये फ्रंट वाला छूट रहा है, उसको छूट जाने दें। मेन हमारा जो पीछे का वो हेयर है वो अच्छे से आपका प्रॉपर मेजर होना चाहिए। इसे शोल्डर्स के पास से लाके ऐसा मेजर करेंगे, ठीक है, ये देखिए, और बराबर कट कर देंगे। तो ये हमारी गाइडलाइन रेडी हो जाएगी। दूसरों का हेयर कट करना काफ़ी इजी हो जाता है, लेकिन जब खुद के बालों पे खास करके स्टेप्स कट करना हो तो काफ़ी टफ होता है। लेयर कट में क्या रहता है कि आप फ्रंट से करते हो तो इजीली सारी चीज़ें होती है, लेकिन जब आप स्टेप्स कट करते हो तो वो बहुत टफ हो जाता है। तो वीडियो को ध्यान से देखते हुए चलिए, इसको हाफ आप डिवाइड कर देंगे। तो दोनों तरफ के लिए हमें प्रॉपर अच्छे से गाइडलाइन मिल चुकी है। तो सबसे पहले ईयर टू ईयर सेक्शन डिवाइड करके उसको हम सिक्योर कर देंगे। कान के पीछे से हेयर डिवाइड करेंगे, तो चलिए अब हम प्रोसेस को अच्छे से देखते हुए चलते हैं। अब हेयर को देखिए बैक साइड में ऐसा रखेंगे और अब हमें सेक्शन डिवाइड करना है। तो जहां से हमारा पार्टिंग खत्म होता है कान के पास वाला, वहीं से हम सी आकार में इस तरीके से दो फिंगर की हेल्प से सेक्शन डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करना है वीडियो में देख लीजिए। दोनों तरफ फिंगर को रखेंगे और अंदर की तरफ पुल करते हुए चले जाएंगे, बहुत ही आसानी से सेक्शन डिवाइड हो जाएगा। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ क्लियरिटी कितना अच्छे से, और फिनिशिंग के साथ में मेरा ये पार्टिंग कंप्लीट हुआ है। तो ये हो गया हमारा हाफ मून पार्टिंग। अब इसको भी हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। मेरे हेयर काफ़ी लंबे हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा हाइट पे हेयर को लेके जाना होगा, तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत होती है सेल्फ हेयर कट में। एक तो टेक्निक और उसके साथ मेहनत भी लगती है, दोनों काम रहता है। अब इसको देखिए, जैसे 90 डिग्री बिल्कुल सीधा होता है ना, उसी तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और फिर उसके बाद हैंड को नीचे लाना है और बराबर कट कर देना है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक से कैसे करेंगे। इक्वल कट करेंगे ऐसा, गाइडलाइन को माप लेंगे, उसके बाद में इस तरीके से इक्वल कट कर देंगे। एक बार फिर से रीचेक कर लेंगे, जिस भी लेयर को आप कट करें उसे दोबारा एक बार रीचेक जरूर करें। इससे ये होता है कि मान लीजिए फर्स्ट टाइम में आपसे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ हो या कहीं हेयर छूट गया हो, तो सेकंड अटेम्प्ट में उसे आप बहुत अच्छे से इवन कर पाओगे, ठीक है। और मेरे हाथ देखिए कितनी हाइट पे है, एकदम ज़्यादा हाथों में पेन होने लगता है जब आप खुद से अपने बालों पर करते हो। और इक्वल करने के बाद इस तरीके से हम जिगजैग कर देंगे। तो ये डन हो चुका है। देखिए मैं आपको स्टेप्स दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छे इसमें जो है अभी स्टेप्स आ चुके हैं। अभी जो सामने का बाकी है ना, वो जब कट हो जाएगा तो वो वाले स्टेप्स हमारे ऊपर के साइड में और आ जाए। हेयर को एक साथ में ऐसा ग्रिप करेंगे, ऊपर की साइड लेके जाएंगे, बिल्कुल सेम वैसे ही 90 डिग्री एंगल, खूब
अच्छे से रूट्स एरिया से कॉम्ब करेंगे। और मैंने अपने हेयर को थोड़ा सा ड्राई रखा हुआ है ताकि हेयर इजीली ग्रिप हो, मतलब कॉम होके बाहर आ सके। और इसको सामने की तरफ ऐसा ला के बैक साइड का तो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है हमारे ईयर टू ईयर सेक्शन की, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़े से लेयर्स को छोटा बड़ा रख सकते हैं। मैं मीडियम रखती हूँ, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, बहुत लॉन्ग नहीं, क्योंकि टाइम टाइम पे मैं कट करते ही रहती हूँ। तो मुझे बहुत लंबा भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं अच्छा लगता। तो बीचों बीच से हेयर को लेना है इस तरीके से, देखिए। और हमारे पास में ऑलरेडी जो हमने फ्रंट से हेयर कट किया हुआ था वो गाइडलाइन है, तो वो जो छोटा हेयर दिख रहा है फिंगर के बीच में, उसी को मेज़र करते हुए, देखिए, उसी को मेज़र करते हुए इसको हम ऐसा इक्वल कट कर देंगे, देखिए। ओके, तो ये हमारा ये डन हो चुका है। इसको हाफ हाफ ऐसा डिवाइड करेंगे और इसे भी कॉम करते हुए ऊपर की तरफ लेके चलना है। बिल्कुल सीधा ऊपर के साइड में लेके जाना है 90 डिग्री एंगल पे और नीचे लाना है। छोटा हेयर देखिए फिंगर के जस्ट स्टार्टिंग में ही है और उसी के हिसाब से इसको हम बराबर कट करेंगे। तो ये एक साइड का हो गया है, दूसरी साइड भी सेम वैसे ही कंप्लीट करना है। जो छूट रहा है उसको छूट जाने दें, क्योंकि वो ऑलरेडी कट हो चुका है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और इसे भी सेम वैसे ही बराबर कट कर देना, साथ ही कर देंगे जिग जैग। तो ये हमारा सामने वाला भी डन हो चुका है। स्टेप्स कट करने के बाद में हमें करना होता है यू कट। तो दूसरे का करना रहता है तो हम पीछे में हेयर को रख के कर लेते हैं, लेकिन जब खुद के बालों पे यू कट करना होगा तो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ। हेयर को सिंपली टू पार्ट्स में डिवाइड करें, सामने की तरफ लेके आए अच्छे से कॉम्ब करते हुए, और टू फिंगर के बीच में ऐसा ग्रिप करें सामने की तरफ अच्छे से लाते हुए। और जो हेयर आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा है नीचे साइड का, है ना, उसको जो है इस तरीके से आप बराबर कट कर दोगे, ठीक है। कटिंग आप यहाँ पे बराबर ही करोगे, लेकिन जब बैक में हेयर को ले जाके आप कॉम्ब करके चेक करोगे तो वो यू शेप में अच्छे से दिखेगा। और देखिए कितना प्यारा लुक निकल के आया है। इधर भी सेम वैसे हेयर को कॉम करते हुए सामने लाना है, बराबर कट कर देना है। तो इससे ना बैक साइड में आपके बालों पे बहुत ही अच्छा सा जो है डीप यू कट का, वी कट का ऐसा शेप आ जाएगा। मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि बैक से मेरा कैसा लुक दिख रहा है। तो ये डन हो चुका है। उसके बाद में हम थोड़ा सा और एक चीज़ करेंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। बैक साइड से जो बीच वाला हेयर वो बिल्कुल अलग निकला सा ना दिखे, उसके लिए क्या करेंगे, दोनों नीचे वाले पार्ट्स को ऐसा पकड़ेंगे और बराबर कट कर देंगे। तो ये एक राउंड अच्छा घूमे हुए शेप में आपको दिखेगा। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये बहुत अच्छे से देखिए शेप में आ चुका है। बिल्कुल आपको एक डीप यू कट का शेप दिख रहा होगा। अब देखिए ऐसा क्लच करने पर कैसा दिख रहा है, बहुत अच्छे से इसमें स्टेप्स आ गए हैं। और ब्लो ड्राई मैं कर चुकी हूँ, मैंने किस तरीके से अपने बालों को आउटकर्ल्स किया हुआ है, अगर आपको देखना है तो सेकंड चैनल ऑल अबाउट संगीता मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको ये प्रॉपर सारी चीज़ें समझनी है, सीखनी है, तो आप लोगों को ना मेरे इसी चैनल पे संगीता ब्यूटी वर्ल्ड पे ही बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। कैसा लग रहा है हेयर कट का फाइनल लुक, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रंट लुक के साथ देखिए मैं बैक लुक भी दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है। देखिए मेरी लेंथ भी मेंटेन है और बैक से यू कट भी बहुत ही अच्छा सा दिख रहा है और पूरे बालों पे फुल लेंथ स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो खास करके ऐसे स्टाइल बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा चोटी बनाना, गूंथना या कुछ स्टाइल करके बनाना उतना टाइम मेरे पास होता नहीं है। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है हेयर कट। और हेयर कट से देखिए एक तो लुक अच्छा आ जाता है, दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा हमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा
झंझट करने की भी जरूरत नहीं होती है, बस क्लच किए और निकल पड़े, अच्छा लगते रहता है। और ज़्यादातर तो इस तरीके से मैं क्लचर ही लगा के बालों पे रखती हूँ, स्टाइल का स्टाइल भी हो जाता है और बाल भी अच्छे से सिक्योर रहते हैं। तो कैसा लगा ये हेयर कट वीडियो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए हेयर तो अभी भी मेरे लॉन्ग ही दिख रहे हैं, लेकिन कट होने के बाद उसमें एक अच्छा खासा स्टाइल ऐड हो गया, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, मुझे अपने आप में बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपना हेयर कट करके बहुत ही क्यूट दिख सकते हैं। तो बताना कि कैसा लगा वीडियो, हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, कॉमेंट करें एंड शेयर करें। बाय गाइज।